हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। सो गाइस, सुबह के 5:10 हो रहे, मैं जिम जाने के लिए रेडी हूँ। आज काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग शूट हो रहा है, मतलब लगभग लगभग 15 दिन हो गए। वीडियोस तो आई थी बीच में, पर ब्रांड्स की आई थी, रिव्यू की आई थी, बट कोई ब्लॉग नहीं आया था। तो अभी हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं प्रॉपर। बाकी बातें करेंगे हम गाड़ी में चलते चलते, तो फिलहाल निकल लेते हैं। बाकी प्री वर्कआउट मील अभी मैंने खा लिया है, केले। 2-3 दिन में सावन ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे अपनी जो भी मील रहा करेगी। तो फिलहाल निकलते हैं फटाफट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी चल रही थी ट्रेनिंग जो कि हो गई है कंप्लीट। अब 2 दिन हो चुके हैं, आज 3रा दिन है, मैं लीन में आ चुका हूँ। तो मैंने गेनिंग में अपना वेट 84 से लगभग 8 किलो गेन करके 92 कर दिया था लास्ट में। अब मैं कर रहा हूँ लीन, तो अब देखते हैं 92 से अपना लीन में कितना वेट कम होता है। वैसे मेरा वेट कम करने का, ज़्यादा करने का कोई टारगेट पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। बस ये है कि बॉडी अच्छी कंडीशन में आ जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए अपन को। तो देखते हैं, मेहनत लगी हुई है, तो फटाफट चलते हैं पहले जिम और दिखाते हैं वहाँ की पोजिशन। और आज करेंगे हम अपना वर्कआउट जो करने वाला है, बैक का वर्कआउट, वो भी आज पूरा कवर करेंगे क्या क्या वर्कआउट हमने आज किया है। ठीक है, तो चलो फटाफट चलते हैं। आज का वर्कआउट हो गया है डन, बैक का वर्कआउट देखा आप लोगों ने। उसके बाद में हमने लगाई 3 एक्सरसाइज एप्स की, उसके बाद किया 20 मिनट कार्डियो, कार्डियो में किया क्रॉस ट्रेनर। बस आज का कार्यक्रम जिम का बस इतना ही था। अभी चलते हैं, डाइट वाइट लेते हैं, 10 बज चुके हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिम में कराई थी, दिखाई नहीं है आप लोगों को, आज दिखा देता हूँ। ये डेड लिफ्ट का अलग हमने सेशन बना दिया यहाँ पर, तो इधर डेड लिफ्ट करने के लिए है। ये डेड लिफ्ट का प्लेटफॉर्म, लोहे की प्लेटें और ये बैकग्राउंड, बस ज़बरदस्त लग रहा है। बाकी कल मैंने एक काम कराया था थोड़ा बहुत स्क्वैट्स के लिए। पहले अपने पास स्क्वैट्स का स्टैंड तो था, बट कोई हैवी लगाता था तो यहाँ पे ना थोड़ा रिस्क रहता था, सपोर्ट नहीं मिल पाती थी। तो अभी ये लगवा दिया, पेंट हो जाएगा सैटरडे को, तो ये काम भी अपना डन हो जाएगा। अभी चलते हैं सप्लीमेंट स्टोर, डाइट वाइट लेते हैं। ठीक है भाई, लाइट बंद कर दियो, मैं अभी आगे लॉक कर दूंगा जिम। ठीक है, चलो अपने ओट्स बनने के लिए रख दिए हैं, जब तक ओट्स बनेंगे तब तक करते हैं फटाफट से शॉप की साफ सफाई, एकदम झाड़ू पोछा लगा के क्लीन करते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। A few moments later. So guys, साफ सफाई भी सब बढ़िया से हो गई, ओट्स बन के रेडी हो गए, पूजा वूजा भी हो गई अच्छे से, और फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गाइस, 2:30 बज चुका है और अब मैं घर जा रहा हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे 2 बजे जाता हूँ। अब 2:30 बजे से लेके मेरे को मैक्सिमम 1-1.5 घंटा मिलेगा, जिसमें मेरे को नहाना है, रेडी होना है, खाना खाना है, और चावल वगैरह ले लिए अभी, तो ये भी बनेंगे, तब डाइट कम्प्लीट होगी। उसके बाद ठीक 4 बजे जिम पहुंचना है, क्योंकि 4 बजे से मुझे पीटी देनी है, और जिन्हें पीटी देनी है ना उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इस चक्कर में ठीक 4 बजे जिम पहुंचना है। भाई बहुत भागदौड़ हो जाती है सच में। गाइस, अपना हो गया है लंच रेडी, दाल चावल, भिंडी की सब्जी भी है, दही भी है, सब कुछ मिक्स करके खाएंगे अच्छे से। बाकी एक टिफिन पैक कर लिया है, ये जिम लेके जाऊंगा, जिम के टाइम में खाएंगे, तो अभी फटाफट से खाते हैं। सो गाइस, घर से इतना जल्दी भी निकला था कि वीडियो भी नहीं बना पाया, अभी सीधे पहुंच गए जिम, क्योंकि पीटी देनी है, ऑलरेडी 10 मिनट लेट आया मैं।
और भाई ने पता नहीं कैसे पर्दा खोला, पूरा पाइप ही निकल के गिर गया। अब ये कुंडा निकल के ऐसे भी लगाना पड़ेगा एंकर, ड्रिल करके सब निकल के पूरा मामला नीचे ही आ गया। भाई शाम के 8 बज चुके हैं भाई, बैक टू बैक 3 पीटी दिए मैंने, मतलब 4 बजे से लगा पड़ा हूँ बैक टू बैक। अब टाइम मिला मेरे को अपनी डाइट खाने का। वैसे जो डाइट है ना, ये मेरे को खानी थी लगभग 6:30 बजे, पर क्या कर सकते हैं भैया, काम बहुत ज़्यादा है, हो जाता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट चलो कोई नहीं, तो फटाफट से खा लेते हैं। भूख भी लगी है बहुत तेज़, पीटी देने में भी ना हालत ख़राब हो जाती है भाई, थकान हो जाती है तगड़ी वाली। अपनी डाइट हो गई है कम्प्लीट, खा लिया, बॉक्स हो गया खाली, और अभी जा रहा हूँ मैं फटाफट से जिम। अभी बज रहे हैं 8:15, और अभी मेरे को 9 बजे से 10 बजे तक फिर से एक पीटी देनी है। चलते हैं बाकी के क्लाइंट्स को। The next day. So guys, आज है दूसरा दिन और आज है 15 अगस्त, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी लोगों को। बाकी 10:30 बज चुके हैं, अभी हम चलते हैं घर, क्योंकि आज मोटो जी और मुकुल जा रहे हैं गाँव, तो उन्हें मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ के आना है, 1 बजे का ट्रेन है, तो अभी चलते हैं सीधे घर, थोड़ा काम वाम देख लेंगे। बाकी अपना जो कल यहाँ से पर्दा टूट के गिर गया था, यहीं पड़ा है अभी तक, तो अभी इसे ड्रिल करके दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लगाने की कोशिश की थी, लगा ही नहीं मेरे से, तो बुलाना पड़ेगा पर्दे वाले को। तो अभी चलते हैं पहले सप्लीमेंट स्टोर, ओट्स और डाइट अपनी ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया, अपने ओट्स खा लिए, अभी चलते हैं घर। बाकी ये सामान ले लिया खाने पीने का, चैम्प के लिए ट्रेन में खाने के लिए, तो अभी 11 बज गए, बस घर चलते हैं अब सीधे। खुशी, इतनी खुशी। A few moments later. So guys, चलो चलते हैं रेलवे स्टेशन। बैग पैक हो गया, मेरे लिए चप्पल लेके आ गया वो। कैप लगाओ, लो कैप लगा लो। चलो फिर, सैंडल पहनो सैंडल। हाँ ये चीज़ है, हाँ ये पहन रहा हूँ मैं, गाड़ी में पहन लियो, चल गाड़ी में पहन लेना, उठाओ चलो गाड़ी में लेके चलो। चले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ चला रहा हूँ। रो रहे हो? जाओ तुम जाओ, मम्मा के साथ जाओ, ठीक है? हाँ चीज ही लेके आ रहा हूँ मैं, चॉकलेट लेके आ रहा हूँ। सो गाइस, 4 बज के जिम का टाइम हो गया है, आज डाइट वाइट तो पूरी हो ही नहीं पाई, रेलवे स्टेशन गया वापस आके, घर नहीं गया मैं, तो डाइट वाइट कुछ रेडी नहीं हुई। सुबह थोड़े से दाल चावल पैक करके लाया था, वही खाए थे, और अभी पी रहा हूँ 1 स्कूप प्रोटीन। अब कल से ना सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ेंगी डाइट की, तो अपने उसी हिसाब से करूँगा। अब आज का दिन जैसे जैसे काट लेते हैं, फिर प्रोटीन भी लेता हूँ, थोड़ी देर बाद देखता हूँ कुछ खा लेंगे क्या करें।